rahim Dear students, welcome in a class. Dear students, as we are studying unit number one, that is human organ system. And in previous class, we have discussed about the nervous system. So, what is nervous system? So, uh, the nervous system is an organ system in a human body which carries message from one part of the body to the another part of the body and make us feel and react to things and situations is called nervous system and as nervous system uh, nervous system is divided into two parts that is CNS and PNS. So in previous class we have discussed about the uh, CNS so CNS stands for central nervous system it is further divided into two parts that is brain and spinal cord. So in today's lecture we will discuss in detail about the PNS that is peripheral nervous system. As CNS contains brain and spinal cord. So what does PNS contain? So what is PNS? So PNS stands for peripheral nervous system. So what is peripheral nervous system? The peripheral nervous system uh, PNS is the division of nervous system containing all the nerves that lie outside of the central nervous system. सो so, पी जो है ये डिवीजन uh, है सब डिवीजन है किसकी नर्वस सिस्टम की ठीक है नर्वस जैसा कि नर्वस सिस्टम डि डिवाइडेड है दो पार्ट्स पे दैट इज़ सी एन एस एंड पी एन एस सो पी इज़ द डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम की डिवीजन है जहाँ पर सी एन एस को छोड़ के यानी कि सी एन एस कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी बॉडी की जितनी भी नर्वस हैं विचर्ज फ्राम विच इमर्ज फ्राम द ब्रेन सो ब्रेन से जितनी भी आपके पास नर्व्स निकलती हैं देट आर देट आर कंटेनिंग इन अ पी एन एस पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम में कंटेन करती हैं सो so, जैसा हमारे ये पूरी बॉडी है स्टूडेंट्स तो इसमें आपके पास पूरी बॉडी वर्कआउट कर रही है नर्व्स पे ठीक है जैसे आपकी बॉडी के किसी एक एसेंशियल पार्ट पे या किसी भी एक पार्ट पे जैसे पाँव की फिंगर ले लें ठीक है फिंगर पे कोई प्रॉब्लम होता है या लेट्स सपोज कि आपको आप किसी हॉट जगह को टच करती हैं तो एकदम से आपका मैसेज कन्वर्ट होता है किस तक ब्रेन तक अब आपके पास सी एन एस तो इस, कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर तो इसके अलावा जो बाकी रेस्ट ऑफ द नर्व्स हैं वो पूरी बॉडी में तरह एक जाल की तरह फैली फेल, हुई है सो so, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड uh, को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जितनी भी नर्व्स हैं दे आर कंटेंट्स इन अ पी एन एस पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम सो इस सिस्टम को जहाँ पर आपके पास रेस्ट सी एन एफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के बाकी जितनी भी नर्व्स लाइक करती हैं पूरी बॉडी में और इनकी फंक्शनिंग इनके वर्कआउट को ये पूरा सिस्टम जिसके थ्रू uh, through हम पढ़ रहे हैं दिस इज नोन एज पी एन एस सो पी एन ए हाउ केन वी डिफाइंड पी एन एस सो पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम इज़ द डिवीजन ऑफ द वट इट इट इज़ द डिजन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट कंटेन ऑल द नर्वस इट कंटेन्स ऑल द नर्व्स ऑफ योर बॉडी आउटसाइड फ्रॉम द सी एन एस यानी कि सी एन एस को छोड़ के बाकी बॉडी में जितनी भी नर्वस हैं वो कहाँ पे कहाँ पर लाई करती हैं पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम में सो लुकट दिस पिक्चर सो द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड इज नोन एज What it is known as CNS and rest of all the nerves of our body is known as PNS, that is peripheral nervous system. So as our nervous system, as our peripheral nervous system is the part of it part or division of the nervous system. So it consists of some nerves that is cranial nerves and spinal nerves. They they contain two types two type of the Nerves that is cranial nerve and spinal nerve. So how many pairs of cranial nerves are present in our body and how many pairs of spinal nerves are present in our body? So before going to these number, we will discuss about the cranial nerves and spinal nerves. So what is cranial nerve? Basically, cranial nerves is nerves which emerge from. the brain and mainly serve the head and neck region so this these all nerves are known as cranial nerves यानी कि आपके पास सारी की सारी nerves जो brain और spinal cord को छोड़ के अब यहाँ देखें तो so, आपके पास ब्रेन से निकलती हुई जितनी भी आपके पास नर्व है और ये किसको को सर्व रही है कहाँ पे लाए करेंगी ये ब्रेन और ये नेक रीजन में और हेड रीजन में जितनी भी नर्व्स एग्जिस्ट करती हैं सो दीज आर नर्व्स आर नोन एज क्रैनियल नर्व सो हाउ मेनी पेयर्स आर देयर दे कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स अब ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रैनियल नर्व्स बेसिकली आपके पास नर्व्स नर्व्स जहाँ पे जो आपके पास यहाँ देख लें कि हेड और नेक रीजन में जितनी भी आपके पास नर्व्स हैं ये सारी नर्व्स आपके पास क्या हैं ये क्रैनियल नर्व्स हैं ठीक है, है यानी कि आपके पास जो नेक और हेड के रीजन को सर्व करेंगी दीज नर्व्स आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स और देयर आर ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्वस यानी कि आपके पास कितने पेयर्स हैं ट्वेल्व पेयर्स हैं क्रैनियल नर्व्स के इज़ इट क्लियर And our students, what is the spinal nerves? So, spinal ner nerves which branch off from द स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच द रेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज स्पाइनल नर्व्स यानी कि आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई ब्रेन से निकलती हुई नर्व्स तो क्रैनियल नर्व्स यानी कि क्रैनम से ब्रेन से निकलती हुई नर्व्स लेकिन जो आपके पास स्पाइन स्पाइनल जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं जो नर्व स्पाइनल कार्ड से निकलेंगी और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जाएंगी दैट टाइप ऑफ नर्वस इज़ नोन एज स्पाइनल नर्व्स तो देर आर थर्टी वन पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्वस प्रजेंट इन आर ह्यूमन बॉडी so look at here so students in peripheral nervous system there are two type of nerves are exist that is the क्रैनियल नर्व्स एंड द स्पाइनल नर्व्स, सो ह्यूमन ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स, विच आर इमर्ज फ्राम द हेड क्रेनम यानी कि हेड से निकलती हुई ही किस पे जाएंगी नेक रीजन को जो आपके पास नर्व्स सर्व करेंगी दे टाइप ऑफ नर्व्स इज नोन एज क्रैनियल नर्व्स एंड देर आर टोटल ट्वेल्व पेयर्स ऑफ

सो स्टूडेंट्स एज नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स सो टोटल नर्वस सिस्टम जो कि कंसिस्ट कंसिस्ट कर रहे हैं सी एन एस एंड पी एन एस पे फर्दर सी एन एस कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे एंड पी एन एस कंसिस्ट करता है बाकी पूरी बॉडी की नर्व्स पे सो so, आपका जो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ वट इट इज़ मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरो अब आपके पास पी एन एस कंसिस करता है टू टाइप ऑफ न्यूरान सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरान आर दे इन पी एन एस सो पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम कंसिसट ऑफ़ टू टाइप ऑफ न्यूरान दैट इज सेंस्री न्यूरान एंड मोटर न्यूरान सो फर्स्ट ऑफ हॉल यू विल डिस अबाउट द सेंसरी न्यूरान सो वॉट इज सेंसरी न्यूरान सो न्यूरॉ देट कैरी द इम्पल्स फ्रॉम द फ्रॉम द रिसप्टर टू द सेंट्रल नर्विस सिसटम सो दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर नोन ए सेंसरी न्यूरॉन अब आपके पास न्यूरॉन जो कि नर्व uh, इम्पल्स को कैरी करेगा नर्व इम्पल्स मींस के मैसेजेस कैरी करेगा कहाँ से नर्व इम्पल्स से किस की तरफ यानि कि आपकी बॉडी से मैसेज कैरी करेगी न्यूरॉन एंड देन इसको कहाँ पहुँचाएगी यानि कि सेंसरी न्यूरॉन जो है मैसेज कैरी करेगा ए पार्ट से लेकर कहाँ तक ब्रेन तक सो so, अब यहाँ पे पार्ट ए रिप्रेजेंट करें कि इसको रिसेप्टर्स को सो व्हाट आर दी रिसेप्टर रिसेप्टर्स बेसिकली आपके पास सेंसरी सेल्स होते हैं जो आपकी स्किन में मौजूद होते हैं सो so, आपकी सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को कैरी करेगा न्यूरॉन यानी नर्व इंपल्स या मैसेजेस को कैरी करेगा और इसको लेके जाएगा कहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सो दिस टाइप ऑफ न्यूरान इज़ नॉन ए सेंसरी न्यूरॉन्स सो व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन न्यूरॉन्स दैट कैरी इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ नोन ए सेंट्रल सेंसरी न्यूरॉन सो आपके पास मैसेज कहाँ से जाएगा सेंसरी मीन्स के सेंस ऑर्गन से जाएगा सी एन एस यानी के ब्रेन तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक आपके पास मैसेज कन्वे होगा किसके थ्रू स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरान के थ्रू एंड देट टाइप ऑफ न्यूर आर नोन एज सेंसरी न्यूरस एंड द सेकेंड वन टाइप ऑफ न्यूरान आर

यानी कि सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाएगा वापस उसी जगह पे यानी रिसेप्टर तक और इस मैसेज को कौन लेके जाएगा इफेक्टर्स यानी कि आपके पास वो पार्ट ऑफ द तो बॉडी जो कि रिफ्ले जो कि रिस्पांस शो करेगा उस पार्ट को हम क्या कहते हैं इफेक्टर्स शो यहाँ से मोटर न्यूरॉन क्या करेंगे मैसेज लेके जाएंगे वापस इफेक्टर्स तक यानी कि उस पार्ट तक जिसको जरूरत है इस मैसेज की ठीक है सो आर पेरेफ्रल नर्वस कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट इज सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन आर दोज न्यूरॉन विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्राम रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड मोटर न्यूरान आर दोज न्यूरान विच कैरी नर्व इम्पल्स फ्राम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर्स So this is all about today's lecture, so students So in today's lecture we have discussed about the peripheral nervous system. So peripheral nervous system basically consists of two types of nerves, that is the cranial nerves and spinal nerves and they consist of 12 pair of spinal nerves uh, cranial nerves and 31 pairs of spinal nerves so what is what are the cranial nerves the nerves which are emerge from the brain cranium represents the brain ko any yani brain says central nervous system uh, yani ki head region se brain se aapke paas nerves uh, niklengi head or neck region serve so that type of nerves are known as cranial nerves so there are 12 pairs of cranial nerves present in a PNS. and the next one is spinal nerves so there are 31 pairs 31 pairs of spinal nerves present in a pns so uh, uh, spinal nerves are those nerves which are branched off from the spinal cord and reach in the rest of the human body now students move towards the homework so the first one question is define sensory neuron and motor neurons so, students, the answer is peripheral nervous system. So, it is consist of two type of neuron that is sensory neuron and motor neurons. Sensory neuron that carry uh, that carry the impulses from the receptor to the central nervous system, and motor neuron are the neuron that carry. द मैसेज फ्राम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम द इफेक्टर्स सो दिस इज़ द आंसर फॉर द फर्स्ट वन क्वेश्चन सो आपने एज इट इज़ जो है पहले फ्लो चार्ट बनाना है पी एन एस दैन सेंचरी एंड मोटोन्यूरान एंड दैन आपने दोनों को सेपरेटली डिफाइन करना है ठीक है विद प्रॉपर पेपर प्रजेंटेशन देट एंड राइटिंग फॉर्मेशन एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज़ एक्सप्लन द पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम सो आपने एज इट इज़ जो है वो क्या करना है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम को एक्सप्लें करना है so the answer is first of all you have to put the heading of peripheral nervous system then you uh, you will uh, define peripheral nervous system with respect to their nerves and they have they contains two type of nerves that is the cranial nerves and the spinal nerves so then you have to define two, uh, the uh, both type of nerves that is cranial nerves nerves which emerge from the brain and mainly serve the he neck head head and neck region and there are 12 pairs of the cranial nerves and then you have to Explain the uh, spinal nerves. So there are thirty-one pairs of spinal nerves, nerves which branch off from uh, from the spinal cord and reach to the rest of the body.

और डायग्राम आपने पेज नंबर सिक्स से देखनी है सो दिस इज़ द डायग्राम फॉर पेरेफ्रिल नर्वस सिस्टम सो स्टूडेंट्स इज़ आन अबाउट योर टू डेज होमवर्क यू हैव टू राइट दिस टू क्वेश्चन विद प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन राइटिंग फॉर्मेशन डे डेट एंड मार्चर लाइन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज लर्न दिस दीज टू क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू राइट दीज टू क्वेश्चन ऑन योर असाइनमेंट पेजेस एंड यू हैव टू सबमिट दिस दिस असाइमेंट ऑन ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ जनवरी एट योर स्कूल एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स के आपने साथ साथ अपनी लर्निंग को कॉन्टिन्यू रखना है बिकॉज के आपके फैब में रिटर्न एनुअल एग्जाम होंगे और उनके लिए आपने प्रिपरेशन्स जारी रखनी है और साथ साथ आपने ये होमवर्क करना बहुत मस्ट है क्योंकि आपके इस होमवर्क के फिफ्टी परसेंट मार्क्स जो है वो आपके एनुल एग्जाम में काउंट होंगे ठीक है सो आपने साथ साथ लर्निंग को कॉन्टीन्यू रखना है एंड वन थिंग मोर स्टूडेंट्स के आपके कॉलेज में जैसा कि एंट्री टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं जो कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जनवरी मॉन्टी सॉरी सेक्शन का और ग्रेड वन से ग्रेड नाइन्थ तक के लिए एंट्री टेस्ट जो है वो थर्टी फर्स्ट जनवरी को हो रहा है प्लस आपकी कॉलेज में ग्रेड सिक्स से ग्रेड नाइन्थ तक के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट हो रहे हैं तो आपने जो भी इंटरेस्टेड हो आपने इसमें अप्लाई करना है आप ग्रेड एट नाइन्थ के लिए आप इसमें लाजमी जो है वो अप्लाई करें क्योंकि आप यहाँ पे स्कॉलरशिप अचीव कर सकते हैं आपके सारे कोर्सेज़ कंप्लीट हो चुके हैं आपने बहुत अच्छे से लर्निंग करनी है और आपके जो भी रिलेटिव या बहन भाई आपसे पूछना चाहें तो आपने उनको ज़रूर गाइड करना है कि ट्वेंटी जनवरी को मॉडिसोरी का एंट्री टेस्ट हो रहा है प्लस ग्रेड वन से ग्रेड नाइन्थ तक का एंट्री टेस्ट है वो ग्रेड थर्टी जनवरी को हो रहा है और स्कॉलरशिप टेस्ट भी और स्कॉलरशिप टेस्ट भी ग्रेड सिक्स से नाइन्थ के लिए थर्टी फर्स्ट जनवरी को हो रहा है ओके इज़ इट क्लियर